जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम ने निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से किया जाए, जिससे जनपद की में उद्योग स्थापित के लिए एक बेहतर माहौल बन सके। अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उद्यमी जनपद में उद्योग स्थापित करें, यहाँ औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावनाएँ हैं और उद्योग स्थापित करने में यदि कोई असुविधा या कठिनाई आती है तो उसे संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका निराकरण किया जा सके। एडीएम सिटी ने नगर निगम को निर्देश दिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सफाई के लिए एक एरिया इंस्पेक्टर नियुक्त करें। इसके साथ ही सफाई की फीडबैक प्राप्त करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक मोहल्ला कमेटी भी बनाई जाए। अपर जिलाधिकारी नगर ने गीडा क्षेत्र में नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश नगर निगम को दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग राज कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। कॉस्ट जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट कॉस्ट की मैक्सिमम 10% तक ही है, जोड़ेंगे बाकी सारा आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसकी भी कोई लिमिट भी है? लिमिट्स भी हैं हर चीज़ों के, जैसे अगर 50 से 1000 मेट्रिक टन है उसकी अलग लिमिट है, करीब 875 रुपये है पर मेट्रिक टन, और अगर 1000 मेट्रिक टन से ज़्यादा का है तो उसका करीब 750 रुपये पर मेट्रिक टन, 555। फिर से बोलिएगा। 99। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू इन सारी स्कीमों को और पब्लिसाइज करने का कोशिश करें, क्योंकि उसमें एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट को भी लेके अगर आप लोग चीज़ का मेन आइटम है जिसमें सीमेंट्स रखते हैं उसके टैंक का आपने कहा कि नहीं है सिस्टम, उसका पार्ट ऑफ इंडिया से डिसाइड होकर हमारे पास आता है कि इसमें करना, नाबार्ड ओनली मैनेज करता है इसमें, जबकि है सर उसी से का प्रोडक्ट है। और पहले आपके जब आपका फ़ोन आया था तो मैंने अपने लखनऊ ऑफिस और मुंबई ऑफिस में दोनों जगह बात की, वो स्कीम में ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं जिसमें हम उसको फिट कर सकें। वही मैंने आपको दूसरा बताया था कि अगर जैसे मैंने एक स्कीम बताई आपको एग्री नाम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ACABC कहते हैं शॉर्ट में, उसमें गवर्नमेंट ने करीब 30-40 एक्टिविटी दे रखी है और उसमें ये भी कह रखा है कि कोई भी अगर एक्टिविटी ऐसी है जो एनिमल एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कोई एंटरप्रेन्योर सेटअप करता है उनमें तो वो उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसमें वही एलिजिबिलिटी वही है कि वो एग्रीकल्चर या लाइट सेक्टर से पढ़ा हो, BSc केमिस्ट्री या बायोलॉजी भी चलेगा, और उसमें क्या कहते हैं 5 लाख तक का तो बिना गारंटी का लोन उसमें मिलेगा, उसके ऊपर जो भी होगा उसमें आपको गारंटी देनी पड़ेगी, और एक आदमी को मैक्सिमम 25 लाख लोन मिल सकता है, और अगर 5 लोन के सपोर्ट करें तो 1 करोड़ तक का लोन उसमें मिल सकता है, और सब्सिडी 36 से 44% डिपेंडिंग ऑन, तो अगर आप उसमें चाहें तो वो अपना AI सेंटर बनाने के लिए उसमें लगाया जा सकता है। उसमें आप देखिए अगर कोई ऐसा बंदा हो आपका जो उसमें पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री सर गोरखपुर में इसमें बहुत पोल्ट्री तो गोरखपुर ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 2 साल, तो जिसकी वजह से और अंडे का रेट बढ़ नहीं रहा है, तो उनका जो कॉस्टिंग और रिकवरी जो मेरा फीडबैक बहुत से लोगों से मतलब महीनों में मिला है, तो अगर किसी का 10,000 पर्ट का फार्म है तो वो बोल रहे हैं कि हम 6 से 7 हज़ार दिन का लॉस कर रहे हैं, फायदा तो कर, तो इस समय मैं अभी किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप पोल्ट्री सेक्टर लाए जब तक ये मक्के का रेट का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, या तो अंडे का रेट क्योंकि वहाँ से तय होता है LECC से करते हैं लोग, और अपना मक्के का रेट इसका कोई MSP तय कर दिया गया तो उससे विचार नहीं करता, ये सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी